आईपीएल फीवर भी डीएनए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच, और पहली इनिंग्स खत्म हो चुकी है चेन्नई की। और चेन्नई की बात करें तो उन्होंने बनाए 162 रन, 163 रन का टारगेट दिया पंजाब को। और प्लेऑफ की रेस में भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है चेन्नई के लिए और पंजाब के लिए भी, क्योंकि अगर वो पंजाब ये मैच हार जाती है तो बाहर हो जाएगी। लव हमारे साथ लाइव में है। लव, स्कोर चेन्नई को देखते हुए देखें तो पिछले मैच में हैदराबाद के खिलाफ 200 रन के पार गई थी, लेकिन आज बीच में देखने को हमें मिला कि एक साथ 2 विकेट गिरे शिवम दुबे और उसके तुरंत बाद ही रविंद्र जडेजा। तो लग रहा है ये स्कोर पंजाब के लिए मुश्किल रह सकता है क्योंकि स्लो विकेट तो लग रही है। जी, विकेट स्लो है और मतलब जिस हिसाब से प्लान एग्जीक्यूट करती है सीएसके बॉलिंग के टाइम पे, तुषार देशपांडे को यूटिलाइज कर रहे हैं जिस तरीके से, जबकि हमने देखा है कि डीसी की तरफ से खेलते हुए काफी महंगे साबित होते थे। अभी उन्होंने जगह ले रखी है ड्वेन ब्रावो की, क्योंकि थोड़ा वो डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं और पथिराना तो है ही है साथ में, जिस तरीके तुषार देशपांडे यूज होते हैं कि कभी भी बुला लेते हैं, मिडिल ओवर आके निकाल देते हैं आराम से। तो जी कहीं ना कहीं वो प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करती है सीएसके। तो मुझे लगता है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि सीएसके मैच से बाहर है, हालांकि स्कोर कम है, ऐसा नहीं कि स्कोर बहुत अच्छा 180+ हमने देखा है कि इस आईपीएल में 250 भी चेज हुआ है। लेकिन वही वाली चीज है कि पिच के हिसाब से बात करें, पिच काफी स्लो नजर आ रही है और जिस तरीके से लगातार विकेट गिरे वो थोड़ा सीएसके के लिए कंसर्निंग बात है, क्योंकि गायकवाड के अलावा कोई कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं है। आज शिवम दुबे नहीं चले तो रन नहीं पड़े। मेजर कंसर्न जो है वो मुझे लग रहा है कि जडेजा का फॉर्म है, क्योंकि जडेजा का ये आईपीएल बहुत ज्यादा कुछ खास जा नहीं रहा है। धोनी एक है जो नीचे फिनिशिंग टच प्रोवाइड कर रहे हैं, वरना उसके अलावा कोई आप देखिए प्लेयर ऐसा कुछ सीएसके के पास है नहीं। रिजवी भी मतलब बहुत ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। पहले मैच में बस वो जो राशिद खान के कहीं छक्के मारे थे उन्होंने, वहां पे जो हुआ था वो हुआ था, उसके अलावा कोई ऐसा एक्स फैक्टर प्लेयर नजर नहीं आ जी रहा है। और एमएस धोनी की बता दें कि आज उन्होंने 100 रन अपने इस सीजन के पार जरूर किए, लेकिन पहली बार हुआ है कि वो रन आउट हो चुके हैं। अभी तक 7 मैचेस में बिल्कुल नॉट आउट चल रहे थे, लेकिन आज 8वां मैच था जिसमें पहली बार वो आउट हुए हैं। आखिरी बॉल पर उनका आउट होना, मेरे को लगता है कि पूरे आज भी मैच में राहुल चहर को जो 19वां ओवर दिया वो एक गेम चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि तो उस ओवर में एमएस धोनी ने पहले 2 बॉल डॉट्स करी, फिर तीसरे बॉल पे सिंगल दिया, फिर मोइन अली भी आउट हो गए, वो पूरा ओवर वेस्ट एक तरीके से चला गया। और लास्ट ओवर भी बात करें तो बहुत ज्यादा मैं कहूंगा किफायती था। तो ये स्कोर 180-185 तक पहुंच सकता था, क्योंकि सीएसके अगर हम देखें तो 17 ओवर में 130 पे थी, तो लास्ट 3 ओवर में 40-50 रन हमने देखा है चेन्नई को बनाते हुए, तो उस नजर से देखें तो 20 रन लग रहे हैं कि कम है। हाँ, रन्स कम लग रहे हैं और सैम करन की मैं अगर बात करूँ ना, कैप्टेंसी अच्छी रही है इस सीजन में। जी केकेआर वाले मैच देखिए जिस तरीके से चेज हो गया था, वो वहां पे भी अपने देखा प्रभसिमरन को ऊपर लेके आए ओपनिंग कराने के लिए। देखा था कि प्रभसिमरन की जो है वन डाउन में इतनी अच्छी रन नहीं आ रहे, पेस्टोक वापस लेके आए थे, जिस हिसाब से टीम में चेंजेस करे, एक फॉर्मेशन बनाई, आशुतोष को जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, उस दिन शशांक सिंह को ऊपर भेज दिया था। तो ये कुछ बहुत माइनर जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा चेंज डालते हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं गेम में। और आज भी मैं देखने को मिल रहा है 19वां ओवर था, अगर वही ओवर 20 रन के लिए चला गया होता ना तो अभी टारगेट हमको लग रहा होता कि सीएसके के फेवर में ज्यादा है, क्योंकि सीएसके जिस तरीके से प्लान एग्जीक्यूट करती है, हालांकि जिस तरीके से आज बॉलिंग रही पंजाब की मैं काफी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। और मुझे लग रहा है कि आज सीएसके की तरफ से बैटिंग थोड़ी एवरेज रही, रहने का फॉर्म एक बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि अब तक फियरलेस थे पिछले सीजन में। पिछले सीजन में ही फेयरलेस थे, उसके बाद से मतलब बहुत नाम उठ रहा था, बट इस सीजन में कोई ऐसी इंपैक्टफुल पारी नहीं देखने को मिली है। गायकवाड़ भी आज देखे ना तो जिस तरीके से खेलते हैं, जितना अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं कि कभी भी गेम चलाना जानते हैं, कभी भी अटैक करने लग जाते हैं, कभी भी डिफेंसिव हो जाते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, वो आज देखने में मिला। आज सिर्फ मतलब एक तरीके से पूरी सेफ्टी की बात करें तो डिफेंसिव ही खेल रही थी। और एंकर इनिंग्स जरूर थी गायकवाड़ की, मे भी उन्होंने पिच ऐसे एसेस की हो कि उनको लग रहा हो कि 170-180 भी हमारे लिए बराबर हो सकता है स्कोर, तो उसी अगर हम देखें तो 130 की स्ट्राइक रेट पे चल रहे थे। जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी, क्योंकि शिवम दुबे वर्ल्ड कप का अगर हम आपको बता दें तो ऑडिशन बहुत ज्यादा मैं कहूंगा का फेल चल रहा है। कल हमने 3 बैट्समैन देखे, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव जिनका स्क्वाड में नाम था वो फेल हुए। आज हमने 2 प्लेयर जो सीएसके के लिए की तरफ से खेलते हैं और टीम इंडिया के स्क्वाड में वो है शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा, तो वो भी आज फेल हो गए हैं। तो 5 प्लेयर जिनका हमें वर्ल्ड कप में हमें इंतजार था कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन आईपीएल में तो अभी कुछ उनका चल नहीं पा रहा है सिक्का, क्योंकि शिवम दुबे अभी तक अच्छे चल रहे थे, लेकिन आज जो हम उनकी पावर उनके हम स्ट्रेंथ जो थी कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं उसी में आज वो फर्स्ट दिखाई दिए। तो और आपने बस यही कही सैम बरन की बात, मैं बस यही कहूंगा कि अगर इतना ही पिछला बार भी आप में याद है कि 2-3 मैचेस के लिए शिखर धवन नहीं थे तब भी सैम बरन ने मैच जिताए थे, तो जब पंजाब ने पता नहीं क्यों फिर इतना भरोसा नहीं किया 20 सीजन में शिखर धवन को हटाना, शुरुआत से ही आप सैम बरन को ही रख सकते थे जी, तो वहीं आप। मतलब सैम करन की बात करें ना तो प्लेयर
के ऊपर बहुत प्लेयर ऐसे, पैट कमिंस का भी ऐसे ही था कि जब कैप्टनसी मिली तो प्लेयर और उभर के आए, वरना वो बहुत कोई ऐसे प्लेयर नहीं थे कि बहुत जाने जाते थे कि बॉलिंग बहुत ही कुछ बहुत बढ़िया बॉलिंग है। कैप्टनसी मिलने के बाद ज्यादा हाईलाइट मिला उनको, ज्यादा फेम मिला। लेकिन आज के देखिए स्कोर कार्ड की बात करते हैं, जिस तरीके से समीर रिजवी बहुत बड़ा कंसर्न है, मतलब अब तक जितना 91 का स्ट्राइक रेट, 8.5 करोड़ का इन्होंने लिया है, सबसे महंगे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर हैं। वो दो राशिद की छक्के के अलावा कोई भी अभी तक 10 मैचेस हो चुके हैं, कोई पारी आई नहीं है, और एक दो मैचेस में मुझे लग रहा है इनको बाहर भी बैठना पड़ा था, तो ओवरऑल 8-7 मैचेस मैं कहूंगा इनसे, मतलब इनसे एक और प्लेयर थे स्वास्तिक चिखारा थे जो यूपी T20 लीग में बहुत फेमस हुए थे इनकी तरह ही, उनको शायद DC ने परचेस किया है, तो मतलब उनका भी अगर आप उनको मौका मिलेगा मुझे लगता है फार बेटर खेलेंगे, वो प्रेशर भी हैंडल कर रहे थे। बगर जिस तरीके से रिजवी का परफॉर्मेंस रहा है ना, मैं काफी हाईली रेट कर रहा था क्योंकि मैंने यूपी T20 लीग को फॉलो करा था, बट अभी के परफॉर्मेंसेस देखने के बाद ना, जब प्लेयर थोड़ा प्रिपेयर्ड कम लग रहे हैं, प्रिपरेशन कम लग रही है, और लग रहा है कि हर बॉल अगर आप मारने के पीछे जाएंगे क्लैरिटी नहीं नजर आ रही, और लग रहा है कि प्रेशर गेम्स हैंडल नहीं कर पाते हैं, और इसी टाइप के प्लेयर को इंडिया की जरूरत है जो प्रेशर गेम को हैंडल कर पाए, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी ने प्रेशर गेम्स हैंडल किए हैं आराम से एंकर, हालांकि अभी कुछ मैच अच्छे नहीं गए लेकिन एक पारी आई थी उनके डेब्यू में, मतलब सीजन का अगर डेब्यू देखें तो उसमें एक पारी उनकी काफी अच्छी थी, और वो विकेट भी लेना, तो मतलब इस टाइप के प्लेयर की जरूरत है 20 साल की उम्र में। वही अगर आप समीर रिजवी की बात करें तो वो पारी देखने को नहीं मिल रही है, प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, जबकि कई बार धोनी ने ट्रस्ट करके, सीएसके ने ट्रस्ट करके इनको भेजा है, और आपने कहा कि हारे नहीं चल रहे, लेकिन आप देखिए हमारे सामने तीन बल्लेबाज है, मोइन अली, MS धोनी और डैरिल मिचेल। डैरिल मिचेल आज 8वें नंबर पर आ रहे हैं, तो मोइन अली जिस तरीके से आज भी 9 बॉल में 15 रन मारे, तो ज्यादा बॉलिंग यहाँ पर आपको सीएसके के लिए आज तो भी जरूर बैटिंग आ गई, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि बैटिंग नहीं आती, तो क्यों ना रहने की जगह मोइन अली से भी ओपनिंग करा सकते हैं, एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी होगा, अगर रचिन रविंद्र को नहीं खिलाना है तो, और उनको लगता है कि जडेजा और रविंद्र तो बिल्कुल लाइक टू लाइक स्पिनर्स हो जाएंगे, मोइन अली हमें थोड़ा सा टच अलग देते हैं, सैंटनर को भी खिला सकती है, ऐसा नहीं कि आप सैंटनर को बिल्कुल रूल आउट कर रखा है, लेकिन सैंटनर अच्छे प्लेयर है, बैटिंग भी करना जानते हैं, और एक स्पिनर की भी जो थोड़ा एक वो जडेजा के अलावा जो एक प्रॉपर स्पिनर तीक्ष्ण बाहर है, तो कोई प्रॉपर स्पिनर उनको, लेकिन ये ना वो सेम है, वो हो जाएगा ना कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, जडेजा डालते हैं, बस स्पीड स्पीड का वेरिएशन कह सकते हैं कि सेंटनर थोड़ा स्लो डालते हैं और जडेजा थोड़ा तेज है, हाँ, और सेंटनर की बॉल पे स्पिन है, जडेजा के पे उतना टर्न रेस्ट ज्यादा, हाँ वो वही है कि सीधी बॉल जाती ज्यादातर जी। और वहीं आज MS धोनी ने भी 11 बॉल में 14 रन 127 का स्ट्राइक, MS धोनी का हाईलाइट आज मैच का वो था जो उन्होंने सिंगल डिनाय कर दिया तीसरी बॉल पे, वो एक बहुत ही मैं कहूंगा कि हाईलाइटिंग चीज थी MS धोनी की बात करें तो, क्योंकि सिंगल का इस तरीके से सिनेरियो बन रहा था, अगर हम आपको बता दें कि MS धोनी ने एक्स्ट्रा कवर पे शॉट मारा, डैरिल मिचेल उनके पास तक पहुंच गए, क्रीज पर जाकर उन्होंने उल्टा बल्ला भी छुआ और फिर वापस आ गए, मतलब डैरिल मिचेल 2 रन भागे और MS धोनी वहां पे खड़े होकर उनको भगाए जा रहे थे और वापस भी भेजे जा रहे थे, तो वो एक बहुत ही ज्यादा फनी और एक हाईलाइटिंग पॉइंट था कि धोनी बोले भाई मैं खेल रहा हूँ मैं मार दूंगा, और उसके अगली बॉल पे छक्का भी मारा उसके बाद, तो उस नजर से देखे तो धोनी आज लेकिन आउट हुए, लेकिन अभी भी बात करें तो वो विंटेज वाले जो शॉट्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, आज एक और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का जो मारा वो मैं कहूंगा कि इस अगर इनिंग की बात करें तो सबसे अच्छा शॉट वो ही था पूरी। मैं तो कह रहा हूँ कि धोनी की जगह जो दो विकेट कीपर रखे ना अपने, सैमसन और ऋषभ पंत, उनको रिजर्व में रखे, रिजर्व रखे धोनी को लाए, और मतलब बोले जैसे आमिर मोहम्मद आमिर ने भी तो वापस ले ली ना रिटायरमेंट, लेकिन वो उनका तो एज इतना नहीं था ना कि आमिर कोई 50 या 45 साल पे नहीं आ रहे हैं ना, बट आपको लग रहा है आपको धोनी को देख के लग रहा है कि कुछ एज का फैक्टर है, एज का फैक्टर तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे देखे ना तो अभी वो लिंप कर रहे हैं, मतलब फ्रेंचाइजी के लिए जरूर खेल रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि हम इतने ज्यादा अगर कोई प्लेयर इतने छक्के मार रहा है वो चलेगा, अगर लिंप भी कर रहा है तो चलेगा वो बात ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि हम ऐसे ही जब किसी भी प्लेयर के बारे में ये भी सोचते हैं टीम में है, दिनेश कार्तिक के लिए आपने देखा होगा कि RCB में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जैसे ही वर्ल्ड कप उनका खराब गया सब उन पे बरसे भी कि भाई किसको ले गए ये क्या करता है ये तो कमेंटेटर है, तो MS धोनी के लिए भी बैकलैश आने का कोई आ सकता है, और आपको भी पता है कि उनकी क्लैरिटी बहुत पहले से ही रहती है, जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट मतलब आएंगे टाइम पे छोड़ दिया, ये सब बस सिनेरियोज ही बन सकते हैं। बाकी अभी अगर हम बॉलिंग स्कोर कार्ड की बात करें तो आज दीपक चहर के भाई राहुल चहर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, आज हमें अब दूसरी इनिंग्स में दीपक चहर भी देखने को मिलेंगे, तो आज ओवरऑल अगर बॉलिंग स्कोर कार्ड की तरफ जाएं तो हम कंगिसो रबाडा 4 ओवर 23 रन 6 से भी काफी फाइनली अच्छा एक स्पेल देखने को मिला रबाडा की तरफ से जी, और वहीं एक और अगर हम देखें छठा डेब्यू भी हमें देखने को मिल गया वो भी सदीप सिंह 50 पर, मतलब आप देखिए ना कि क्या हो रहा है स्क्वाड अनाउंसमेंट का, मतलब प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे या फिर ये हमें ऑडिशन इतना प्यारा देखने को मिल रहा है कि जो बैटर आ रहे हैं उनसे 10 रन नहीं बन रहे हैं, जो बॉलर आ रहा है वो 50 रन खा रहा है वो भी उस मैच में जहां पे 160 रन बनने मुश्किल हो रहे हैं, और वहां पे देखिए 4 ओवर 52 रन 13 का 13 की इकोनॉमी
तो मतलब हर्षदीप सिंह का तो पूरा सीजन खराब गया है। और तो वो फिर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक जो क्राइटेरिया क्या था सिलेक्शन का, आईपीएल परफॉर्मेंस किसी का चल नहीं रहा है। हाँ, मतलब शिवम दुबे का आईपीएल परफॉर्मेंस पे मेरे हिसाब से लिया गया, खलील अहमद आईपीएल परफॉर्मेंस पे लिया गया, नहीं मैं खलील अहमद भी नहीं कहूंगा कि आवेश खान कह सकते हैं, थोड़ा बहुत उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और लेफ्ट आर्म का फायदा मिला उनका, आवेश क्योंकि और खान, कोई बॉलर आवेश है। खान का कुछ यही रीजन। आवेश खान आप आईपीएल परफॉर्मेंस कह सकते हो, और साथ ही साथ तो फिर इंटरनेशनल हरदीप, भी खेलते हैं। हरदीप सिंह फिर क्यों मतलब, और रिंकू आर क्यों? अर्शदीप खैर वो सिंह अब वही वाली चीज है कि अलग वीडियो अब वो भी हमने जी एक अलग वीडियो जरूर किया है, वो आपके पास जरूर आएगा कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और रिंकू सिंह को बाहर करने का रीजन क्या है, तो वो वीडियो भी हम आपके लिए इंफो कार्ड में ये वीडियो के साथ आपको शो हो जाएगी, तो वो वीडियो भी आप जल्द आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए आप डीएनए को जरूर फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ साथ आप अगर आपको कमेंट सेक्शन में लगता है कुछ भी आपके सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही हमारी मेल आईडी dna@dnaindia.com उस पर भी भेज सकते हैं। लो हम आगे चलते हैं, अगर बात करें बॉलिंग स्कोर कार्ड की उस पर जरूर हम एक बार देख लेते हैं कि और अगर हम बॉलर देखें तो उनका किस तरीके से प्रदर्शन रहा, जिसमें हरप्रीत ब्रार की बात करें तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया शिवम दुबे का, और 17 रन देकर मात्र 17 रन दिए और 2 विकेट लिए। तो जो स्पिनर्स थे उन्होंने तो आज अच्छा काम किया, क्योंकि सैम करन भी देखे तो कप्तान होके भी उन्होंने भी 3 ओवर में 37 खाए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आज, एक स्पिनर कम खिलाया मुझे लग रहा है। हाँ आज मतलब लेफ्ट आर्म पेसर्स का दिन नहीं था। जी, और रबाडर ने जरूर सीरीज में अच्छा किया, लेकिन एक हाँ स्पिनर और खिला सकते थे क्योंकि हर्षल पटेल भी 1 ही ओवर मिला उन्हें और 12 रन खाए, तो एक स्पिनर और होते या सिकंदर रजा तो अब चले गए हैं, लिविंगस्टन और हो सकते एक और थे। अपडेट है कि शायद प्लेऑफ्स में शायद 22 तारीख को जा रहे हैं, 22 मई इंग्लैंड को के इंग्लैंड के प्लेयर्स प्लेयर्स 22 तारीख को तो लिवरपूल, आपकी टीम को, फिल सॉल्ट बटलर आपकी टीम को बहुत ज्यादा नुकसान होने बहुत वाला है, ज्यादा। केकेआर को और साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स, जिनके चांसेस सबसे ज्यादा है, तो अगर बटलर चले जाते हैं तो फिर राजस्थान किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमें याद है जो केकेआर के खिलाफ बटलर ने इनिंग्स खेली थी वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेज एवर बिल्कुल था बिल्कुल बिल्कुल आईपीएल की बात करें तो, उसको अगर हम देखें तो वो बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि शानदार था। तो अगर आपको हमारी ये हाइलाइट्स फर्स्ट इनिंग्स की पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और डीएनए के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम 26 मई को हम बता दें कि आईपीएल का फाइनल होने वाला है, तो हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।